हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी उसमें क्या डिस्कस किया था कि टास्क 2 की वोकैबुलरी फॉर द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टाइप ऑफ एसेज। अब इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम को कॉज करने के ये तरीके हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों को कॉज कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। आज हम करेंगे सॉल्यूशंस। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे में आपको प्रॉब्लम में तो आपको लिमिट है कि 1 या 2 प्रॉब्लम्स या फिर एट द मोस्ट आप 3 प्रॉब्लम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में यू डोंट हैव एनी लिमिट ऑन देम। आपके सॉल्यूशंस 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। सो जब आप इस तरह से अपने सॉल्यूशंस को कर रहे हैं इलस्ट्रेट्स, तो आपके पास अलग अलग वोकैबुलरी हर एक सॉल्यूशन के लिए अगर होगी तभी आपका जो के बढ़िया बैंड अपना आप अचीव करते हैं, जो कि 7+ बैंड के लिए चलते हैं ये वोकैबुलरी। ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू इज़, हमने इश्यूज़ की बात अपने BP1 में कर दी, लेकिन BP2 को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन यूज़ होता है एक बेस्ट सॉल्यूशन के लिए। ये हमारे जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं ये हमारे बेस्ट सॉल्यूशंस के लिए हैं, जो हमारा नंबर 1 सॉल्यूशन है और नंबर 2 सॉल्यूशन है इधर उनके लिए। Then the same thing is optimal. There's a difference between both of them. One is optimum and second is optimal. So आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। Optimal measures can be taken by the government of the whichever country you are talking about in your passage. Then ideal solution of this problem is, ideal भी हमारा best solution के लिए ही एक यूज़ किया जाने वाला word है। Then again अपना authority should take appropriate measures in order to curb these crime rate in the cities. Authority को आपने, authority जो हमारी government है उसको आप क्या कह रहे हैं कि they should take appropriate measures. Appropriate measures जो कि उस problem को हमारी curb करें, इस तरह के measures हैं उनको लेने चाहिए। The plausible solution of this is, plausible भी एक हमारा word है जो best solution के लिए हम लिखते हैं। ये हमारे जो थे वर्ड्स ये बहुत ज़्यादा आपके 7+ वोकैबुलरी वाले हैं, सो प्लीज़ कीप ऑन यूजिंग देम। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इससे आपके, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपके टास्क की वैरायटी तो आएगी ही आएगी, प्लस आपका वोकैबुलरी का पार्ट भी इंक्रीज होता है इन वर्ड्स से। देन मेजर्स, हम मेजर्स की बात करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिस तरह की हमने पहले बात की सॉल्यूशंस का, उसी तरह से ये हम जब मेजर्स या एक्शंस या सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम ये एक्शंस जब बताते हैं सो एक्शंस वो किस तरह से बताएंगे कि क्या क्या एक्शंस लें। स्ट्रिंजेंट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट सच एज, देन आप एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से मेजर्स आपको लेने चाहिए। स्ट्रिंजेंट एक ऐसा वर्ड है, ये सब वर्ड्स इस तरह के हैं जो स्ट्रिक्ट मेजर्स के लिए अप्लाई होते हैं। जब भी आप गवर्नमेंट को नोटिफाई कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस के BP में, तब आपको क्या चीज़ होने, स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि जब लीनियंट मेजर्स होंगे तो उन पे उनके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता है, उन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता है। सो हरक्यूलियन मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। हरक्यूलियन भी आप स्ट्रिक्ट के लिए ही एक अनदर वर्ड है। रिजिड मेजर्स शुड बी टेकन, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द वर्ड्स यूज फॉर द वर्ड स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट को ही आप बार बार रिपीट भी नहीं करेंगे और आपका ये बेसिक वोकैबुलरी में भी नहीं रहेगा। ड्रैकोनियन एक्शंस मस्ट बी टेकन। ड्रैकोनियन, ड्रैकुला जो होता है हमारा, ड्रैकुला कितना बड़ा होता है, सो आप इस तरह के बहुत बड़े और बहुत डरावने मेजर्स जब आप स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ऑप्रेसिव मेजर्स शुड बी टेकन, ऑप्रेसिव भी स्ट्रिक्ट के लिए ही हमारा वर्ड है। एंड रिगरस एक्शंस, रिगरस अगेन द वर्ड फॉर स्ट्रिक्ट। अब बार बार आप स्ट्रिक्ट नहीं कह सकते, बार बार भी नहीं, हम इन वर्ड्स को चाहे एक बार ही यूज़ करें लेकिन अपनी वोकैबुलरी हाई करके यूज़ करें। बेसिक में ही अगर आप 6.5 में ही रह रहे हैं तो दीज वर्ड्स कैन हेल्प यू ट्रांसफर फ्रॉम 6.5 टू 6.7 ओके टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं, सॉल्व किस तरह से करेंगे? टू सॉल्व इट, टू मिटिगेट इट। मिटिगेट उसको रिड्यूस करना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सॉल्व के लिए और क्या वर्ड हो सकता है? टू मिटिगेट इट। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आगे आपका सेंटेंस कंटिन्यू होगा कि आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को या एज अ पर्सन भी आपको क्या करना चाहिए। टू एलिविएट इट, एलिविएट भी एक वर्ड है रिड्यूस के लिए। टू टैकल इट, टैकल हम यूज़ करते हैं कि जिसे हम पंगा लेते हैं, जिस हम नॉर्मल अपनी हिंदी में हम यूज़ करते हैं टैकल को, जब भी कोई कुश्ती हो रही होती है एक पर्सन अपने ओपोनेंट को टैकल करता है, उसी तरह से आप एक प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं एक सोल्यूशन देकर, सो आपका टैकल उसमें यूज़ हो सकता है। टू कोप अप विद, इस प्रॉब्लम से आपने प्रॉब्लम्स अपने पहले ही डिस्क्राइब कर दी बॉडी पैराग्राफ 1 में, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप क्या कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को कोप करने के, उन प्रॉब्लम से बचने के या उन प्रॉब्लम से उभरने के तरीके बता रहे हैं। सो वो किस तरह से बताएंगे, टू कोप अप विद। टू सॉल्व इट, ये तो हमारा बेसिक है ही है कि टू सॉल्व इट, आप प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल सेंटेंसेज दैट आई हैव मेड फॉर यू। एग्जाम्पल जो भी हमने पहले बात की उन सभी वर्ड्स को यूज़ करके ये सेंटेंस बनाए गए हैं। गवर्नमेंट शुड इनैक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज टू एलिविएट क्राइम रेट। क्राइम रेट को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इनैक्ट, उनको एनफोर्स कर देना चाहिए, वो कानून लागू कर देने चाहिए जो कि क्या हों, स्ट्रिक्ट हों, क्योंकि क्राइम सिर्फ स्ट्रिक्टनेस से ही रिमूव होगा हमारा। अगेन लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। In order to mitigate pollution, draconian measures should be taken, should be enforced by the state government as well as the central government. अगर आपको pollution कम करना है तो draconian, बहुत ज़्यादा strict measures आपको लेने पड़ेंगे। किसके द्वारा enforced किए जाने चाहिए ये measures, government के द्वारा। government कौन सी, द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट जब मिलकर अपने कोई measures लेंगे तो ही ये पोल्यूशन कर्व होगा। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल एंड यू कैन अचीव बेटर स्कोर विद दिस हेल्प ऑफ दिस वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।